टर्मिनोलॉजी से ताल्लुक है, गुलाबदेवी हॉस्पिटल में होता हूँ, रेस्पिरेटरी डिजीज में विटामिन डी का क्या रोल है? कोई आप आइडिया के कौन कौन सी बीमारियां जो डायरेक्टली रिलेटेड है विद विटामिन डी, कैन यू नेम? खास तौर पे अगर हाउस सिस्टर और पीजीज या हमारे दूसरे जूनियर डॉक्टर बैठे हैं जी, जी और जिनमें इम्यूनिटी कमजोर, नहीं बीमारियां कौन सी होंगी? बीमारियां एस्थमा, सीओपीडी, सीओपीडी का ताल्लुक है इम्यूनिटी के साथ, स्मोकिंग से ज्यादा ताल्लुक। अभी हम देख लेते हैं जी, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। आज चूंकि सन से डायरेक्ट ताल्लुक है, पिछले तीन हफ्तों से हम सन की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये से मुतलका कोटेशन थी। थोड़ी सी हिस्ट्री है, शायद एक नई बात होगी जो आपने शायद पहले ना सुन के, इसमें एडल्फ विंडोस को जो ना जी 1928 में नोबल प्राइज मिला है विटामिन डी पे काम करने की वजह से। और विटामिन डी जो है वो मिकोलम, एल्बर मिकोलम ने 1922 में बी इसलिए कहा था कि उससे पहले ए बी सी विटामिन बन चुके थे और उसका चौथे नंबर पर डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको डी कहा गया, वरना कोई डी से इसका कोई डी आइसोमर या कोई डी वाली बात नहीं है। इट वॉज द फोर्थ वन एंड एडल्फ विंडोस गॉट द फर्स्ट प्राइज। फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक है वी ऑल नो विद द सन एक्सपोजर। विटामिन डी आपको पता है हार्मोन है बेसिकली, इट्स नॉट ए विटामिन, इट्स अ हार्मोन। वरना मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं, नर्व्स होती हैं, बाकी एसिड्स होते हैं बॉडी में, तो विटामिन डी इज ए हार्मोन बेसिकली। और स्किन के अंदर ना विटामिन डी सोया हुआ होता है 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की शक्ल में। इसमें जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट बी लाइट पड़ती है, तीन तरह की लाइट होती है ए बी सी, बार बार जिक्र हुआ होगा, जब अल्ट्रा वायलेट बी पड़ती है तो ये जाता है और फिर ये वहां से जाता है लिवर में, लिवर में 25 बनता है, 25 से किडनी में आके 125 बनता है, और 125 बेसिकली एक्चुअली एक्टिव हार्मोन जो विटामिन डी थ्री है। हम जो खुराक की शक्ल में लेते हैं, खा वो अंडों की शक्ल में हो, खा वो दूध की शक्ल में हो, खा वो टूना मछली की शक्ल में हो, खा वो पनीर की शक्ल में हो, वो इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी टू, वो भी जाके किडनी के जरिए विटामिन डी थ्री बनता है, ठीक है। विटामिन डी थ्री हार्मोन और अल्टीमेटली जो एक्टिव हार्मोन है वो फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंक्रीज यूरिनरी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बोन मिनरलाइजेशन में, ये हमें बहुत पहले से पता अपनी फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी से। लेकिन कुछ नए फंक्शन ही आए हैं जो जिसके लिए विटामिन डी का पूरी दुनिया में रौला मचा हुआ है और जिसके लिए विटामिन डी कोविड में खास तौर पे इंपॉर्टेंस उसकी जागी है, कि सेलुलर लेवल पे, लिम्फोसाइट्स पे, एपिथेलियल सेल पे, ट्यूमर सेल पे, इंसुलिन रिलीज में, और रेनिन और इंसुलिन पिछले कई दहाइयों से अगर हम बार बार यहाँ पे मिल रहे हैं लेक्चर्स में, सिंपोजियम में, कॉन्फ्रेंस में, छोटी छोटी सीएमईज में, तो रेनिन और इंसुलिन की बदौलत ही मिल रहे हैं। विनासन साहब, इंसुलिन से मतलब कौन सी बीमारी? डायबिटीज। और रेनिन से बीमारी कौन सी? हाइपरटेंशन। हमारी जो ज्यादा मुलाकातें, ताल्लुक, दोस्ती, मोहब्बत बनी है, उसमें जो एक पिवट एमन साहब है वो कौन सी चीज है? डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लेक्चर और उनकी प्रोडक्ट्स। कैसे ही है पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी की क्या सूरत है? बहुत से लेक्चर्स हो चुके हैं पिछले तीन हफ्तों में। बच्चों आप बता सकते हो कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोगों में विटामिन डी की कमी है? जी 95%। अब ये है कि बहुत सारे पेपर छपे हैं, ये यू मेडिकल कॉलेज का था, उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि 21% ओनली एट ए नॉर्मल लेवल्स, तो लिहाजा 79% या 80% के मतलब वेरी राइट, 80% लोगों में पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की वजह से बॉडी एक्स एंड पेन, वी ऑल नो, डिफरेंट स्टडीज होती रही हैं। अब इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना जी, सी बी और ए, आपकी बी हैज द लार्जेस्ट इफेक्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द स्किन विच हेल्प्स फॉर द 7 कोलेस्ट्रॉल, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के जो उसको जगाती है, सी भी नहीं करती और ए भी नहीं करती। जो अल्ट्रावायलेट ए लाइट्स है ना, दे कॉजेज द एजिंग एंड रिंकलिंग,
बंदे को जो बूढ़ा करती है ना, अगर धूप में काम कर रहे हैं तो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो है ए है, जबकि जो बी को हेल्प है वो हेल्प करती है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में गर्मी बहुत है, सूरज भी बहुत है, पाकिस्तान में फिर भी बड़ी कमी होनी नहीं चाहिए, इसकी क्या वजह? ब्लैक कलर स्किन, और इसके अलावा ए और सी रेज हमारे ऊपर ज्यादा है, वो सारी दुनिया में एक जैसी है, सूर्य के शॉम में। असल में उसकी एक वजह यह है, देखें कहते नहीं कि सर आपको ना अगर सर 10 से 15 मिनट सन एक्सपोजर मिल जाए 2 times पर वीक आपके फेस पे, आंख पे, हैंड्स पे या बैक पे, किसी एक पे नहीं, इन हिस्सों में। अब हम अक्सर लोग जो ना शर्ट पूरी पहनी होती है, पूरी कमीज पहनी होती है, असल गोरिया मुंह तो साहब का लेटना नहीं है, इस वजह से हमारा जो एक्सपोजर वाला एरिया ना सिर्फ फेस होता है, और फेस भी अभी टोपियां लाकर तो हफ्तों बचा के रखती है और दाढ़ी छुप गई है, लिहाजा हमारा जो एक्सपोज एरिया है ना वो होता ही नहीं है बेसिकली, नंबर वन एक ये रीजन है। दूसरी रीजन क्या है वो आगे आएगी, और विटामिन डी के जो सोर्स है बेसिकली मछली मेन सोर्स है, इसके अलावा दूध, एग और लिवर, ये भी विटामिन डी के सोर्स है। ये बच्चे दिन दी है और ये हुंदा वो हुंदा, लोग दे खाई कुछ जाने, सरदार दी कदी दुकान बंद नहीं हुई, क्या होया नहीं तेरे महीने लाइना लगी होंगी, बल्कि लोग गर्मियां ज्यादा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अब विटामिन डी से कौन सी बीमारियां जो खतरनाक हो सकती हैं? अलामात, पहले हम अलामात की बात करें। मरीज अक्सर क्या कंप्लेंट करते हैं कि हमेशा बीमारी जोड़ा च दर्द, थकावट बड़ी रहती है डॉक्टर साहब, मूड लो, डिप्रेशन, मसल पेन्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस, अर्ली डायबिटीज हो सकती है इन पेशेंट में, ये तो होती है अलामात। और अगर बीमारियों की बात करें, फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शन, एलर्जीज एंड ट्यूमर्स, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद विटामिन डी। अब अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, जो बात है फेफड़ों की बीमारियों की, ठीक है, उनमें विटामिन डी का रोल है इम्यूनिटी में, COVID-19 में, टीबी, सीओपीडी, अस्थमा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसका रोल कोई ILD में नहीं है, इसका रोल कोई जो है वो हमारे जैसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की वजह से ILDs होती हैं उसमें नहीं है, इसका रोल डायरेक्टली क्लोरोफीन के अंदर नहीं है, ठीक है, इसका रोल जो है वो लंग्स की और बहुत सारी बीमारियां नहीं है, लेकिन ये जो कॉमन बीमारियां जो हम फैमिली फिजिशियन या फैमिली प्रैक्टिस में देखते हैं उनके अंदर डायरेक्ट रोल है, उसका हम जिक्र करेंगे। अब अगर हम बात करें इम्यूनिटी और विटामिन डी की, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, एक होती है इननेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी। इननेट प्राइमरी फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी है और अडैप्टिव जो सेकंड लाइन इम्यूनिटी है। इननेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, और विटामिन डी जो है ना जी, एक्टिव विटामिन डी कैन बी प्रोड्यूस लोकली विद इन द लंग, के डायरेक्टली लंग के अंदर भी एक्टिव विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ, क्योंकि लंग को डायरेक्ट एक्सपोजर होता है एलर्जन के साथ, डायरेक्ट एक्सपोजर होता है आपके डस्ट के साथ, और इसमें बहुत सारे पैथोजेंस वहां देखा जो हम 24 आवर्स खेच रहे होते हैं माहौल से, तो वहां का डिफेंस सिस्टम लंग्स का तकड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अल्लाह ने यहां पे भी विटामिन डी को प्रोड्यूस करने का सिस्टम रखा हुआ है, राइट। एंड विटामिन डी शेंसी ग्रेट टू डिफिकल्टी इन एलिमिनेटिंग रेस्पिरेटरी सिचुएशन एंड दस फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द नंबर ऑफ इंफेक्शंस। अब ये देखें अडैप्टिव इम्यूनिटी में, नेट इम्यूनिटी में हमारे जो सेल्स है ना वो होते हैं बेसिकली सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। सबसे पहले जो हमारे डिफेंसिव सेल्स हैं वो कौन से हैं? मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। अब ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल को विटामिन डी जो है ना उसके तगड़ा करती है, उनके वो रिसेप्टर जिन्होंने पैथोजेंस को कैच करना होता है उनको ये स्ट्रेंथन करती है, जिस वजह से दे कैन फाइट वेरी वेल अगेंस्ट टीबी एंड अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इन नेट इम्यूनिटी के अंदर। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि सेकंड लाइन बेसिकली इम्यूनिटी है, वो बी सेल्स और टी सेल्स के ऊपर मरूने मिलना था, बी सेल्स एंड टी सेल्स, राइट, और इनको एक्टिवेट करके डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज बनाती है नंबर वन, एंड नंबर टू डिफरेंट किस्म के साइटोकाइन जो कि खतरनाक चीजें हैं उनको रिलीज होने से रोकती है विटामिन डी। एक तो बी सेल्स को एक्टिवेट करके
डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज बनाएगी विच इज गुड फॉर द इम्यूनिटी। दूसरा जो है वो साइटोकाइन की रिलीज को रोकती है जो कि बेसिकली प्रॉब्लम थी कोविड के अंदर, और जब साइटोकाइन IL-6 खासतौर पर रुका या कम हुआ तो उसकी वजह से आपका अटैक भी जो है वो कम होता है। लिहाजा प्राइमरी इम्यूनिटी में मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को डायरेक्ट तगड़ा करके फाइट में हेल्प करती है, और इननेट या सेकेंडरी इम्यूनिटी के अंदर ये आपके बी सेल और टी सेल को तगड़ा करके साइटोकाइन को रिलीज करवाता है और एंटीबॉडीज को रिलीज करवाती है। लिहाजा ये जरूरी है, मैं कहूं बात बताऊं कि पेशेंट्स के वक्तन फक्तन एंटीबॉडी ये लेवल जो है ना विटामिन डी लेवल्स ये करवा के देखते रहना चाहिए, और जिसकी वजह से अगर कम है तो आप उनको कोई भी जो इंजेक्शन आ रहे हैं या कैप्सूल आ रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन या कैप्सूल आ रहे हैं आसिम साहब वो आप दे सकते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम एक ऐसी एक फॉरगॉटन किस्म का या भूला हुआ या निग्लेक्टेड सब्जेक्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर हम इसके लेवल को पूरा रखें तो हम अपने बहुत सारे सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। अब यही नेट इम्यूनिटी की जो बात थी या न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस और विटामिन बाइंड टू दीज सेल्स और फिर हमें हेल्प करती है उसके अंदर, जैसे सार्स की बात की या कोविड 19 की बात की कि वायरल रेप्लिकेशन को डायरेक्टली काम करती है, फिजिकल बैरियर बढ़ाती है, सेलुलर इम्यूनिटी बेहतर करती है, जिसकी वजह से कोविड का अटैक भी विटामिन डी की कमी से कम होता है। अब टीबी के अंदर क्या रोल है, टीबी बेसिकली ये है कि बाय बूस्टिंग द एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कैथेलसिडिन। बच्चों आप याद कर लो नाम, कैथेलसिडिन एक ऐसा पेप्टाइड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो टीबी के बैक्टीरिया को डायरेक्टली अटैक करता है, उनको ग्रो होने से रोकता है। तो विटामिन डी का अगर लेवल ऑप्टिमम लेवल्स हैं और नॉर्मल लेवल में मौजूद है तो कैथेलसिडिन के लेवल नॉर्मल होने की वजह से विटामिन जो टीबी की ग्रोथ है ना या ग्रो है वो नहीं होती और बैक्टीरिया वायरस नहीं करता। इसके अलावा केमोकाइन प्रोडक्शन को कम करता है, डेंड्रिटिक सेल्स एक्टिवेशन की जैसे हमने बात कर ली और ऑल्टरेशन टी सेल एक्टिवेशन, तो ये सारी चीजें इम्यूनिटी रिलेटेड है अलॉन्ग विद कैथेलसिडिन जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया जो है टीबी वाला वो ग्रो नहीं करता। दिस इज अ टिपिकल टीबी एक्सरे, बाइलेटरल पैची इन्फिल्ट्रेटिंग कैविटेटरी शेडोज प्रेजेंट इन द राइट एंड लेफ्ट बाइलेटरल मिडल एंड अपर जोन ऑफ द चेस्ट आल्सो ऑन द लेटरल व्यू एज वेल। व्हाट इज द डायग्नोसिस, मोस्ट ऑफ इज अ बाइलेटरल एडवांस्ड ट्यूबरक्लोसिस, हाउएवर इट कैन बी अ ओल्ड ट्यूबरक्लोसिस, हाउएवर कैन बी अ बाइलेटरल निमोनिया, दिस कैन बी अ अपर लोब या अपर जोन जो है इंटरस्टीशियल लंग डिजीज एंड फंगल इंफेक्शन एज वेल। अब बहुत सारी स्टडी हुई है, ये ऊपर वाला खत्म नहीं हो सकता जो लाइन आ रही है ब्लैक से, ये है क्या विटामिन डी स्टेटस का, ये है कि कोहॉर्ट स्टडी है ये 2014 में पब्लिश हुई कि विटामिन डी स्टेटस एसोसिएटेड विद टीबी इंफेक्शन कंट्रोल एंड सफिशिएंट विटामिन, कोई हम पढ़ लें विटामिन लेवल कुड बी प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर द टीबी इंफेक्शन कंट्रोल, लिहाजा विटामिन डी का लेवल का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी नंबर ऑफ स्टडी इंडियन पाकिस्तानी जर्नल में छपी हुई है, जैसे ये मेडिकल एसोसिएशन JPMA के अंदर स्टडी छपी है एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, उसका भी डायरेक्ट रिलेशन ये था कि जिन मरीजों का विटामिन डी लेवल, हमने हमारी गुलाब देवी की स्टडी है, उनको 15 दिनों के अंदर ही वो नेगेटिव हो गया, अपने ATD शुरू की तो उनका जो स्पूटम कन्वर्जन है वो कितने दिनों में खत्म नेगेटिव हो गए, विद इन 15 डेज, और जिनका डी लेवल कम है वो उनको 2-3 महीने लगे, लिहाजा वो ज्यादा बीमारी फैलाते रहे सोसाइटी में। तो स्पूटम कन्वर्जन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके विटामिन डी लेवल पूरे हैं तो। अब विटामिन डी एंड सीओपीडी, ऑब्वियसली जैसे चिमा साहब ने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दिस लेवल एंड FEV1 एंड FVC, ये बड़ी टर्म था, मुझे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सच्ची बात है समझ ही नहीं होंगी की है, फोर्स सैचुरेटेड वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्स फेडरल कैपेसिटी, किसी में से आपको मुझे बता सकता है स्टूडेंट में से 100 रुपया इनाम अभी जाती जेब से मेरा ये तरीका है कि आपको इतनी समझ आनी चाहिए तो कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को बताता हूँ,
कि अगर आपको घर जाके अपनी 80 साल दादी अनपढ़ दादी को बताना पड़े ना पुत्र की पढ़ के हैं, मैं अफी अरबी सी पढ़ के दादी आया, पुत्र मैं दस है कि समझा सको तुम इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बताए वेरी गुड वट इज अफी वन Sir, it is the amount of air which remains in the lungs after forceful expiration. FEV1. Yes, sir. No, you ask. Ali. Amount of air which one expires with forceful expiration in single breath. In single breath. Or? Sir, jo pehle first second mein jo forceful expiration hoti hai na, uski ye coughing, cough karte hain wo. Okay. Iski ratio sir 0.9. और ये कितनी होती है ये टोटल 80% ऑफ व्हाट टोटल एक्सपायरेशन टोटल और जो टोटल एक्सपायरेशन उसको क्या कहते हैं सर ये टाइडल वॉल्यूम प्लस एफी वो करीब जा रहा है ठीक जा रहा है अभी तक ठीक जा रहा है जो टोटल एक्सपायर कर देते हैं सर वो एक्सपायरेशन वॉल्यूम होता है ना उसका जो फर्स्ट सेकंड में हम एक्सपायर कर देते हैं एग्रीड कि जो फर्स्ट सेकंड में निकलता है वो टोटल का 80% होना चाहिए वेरी राइट यहाँ तक ठीक है जो टोटल निकलेगा वो उसको क्या कहते हैं उसका क्या नाम है वो एफबीसी होती है वेरी गुड वेरी गुड आपका 100 रुपया हो गया और ये होती कितनी है तालियां हो जाए उसके लिए और ये होती कितनी है लीटर में अगर बात करें तो वो आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है खेल रहे हैं सारी जिंदगी अब बेसिकली अगर मैं मैक्सिमम भर लू सांस और मैं कुछ निकालू मैक्सिमम 6 सेकंड निकालने मैंने 6 सेकंड टोटल 6 सेकंड में निकलता है 5 लीटर कितना इसमें से पहले सेकंड में जो निकलेगा वो 80% ऑफ द 5 लीटर यानी कि 4 लीटर पहले सेकंड में निकल जाना चाहिए ठीक है ना तो फिर मेरी FEV1 नॉर्मल है और मेरी FVC नॉर्मल है ये बिल्कुल ऐसी है कि एक जैसे ग्लास है मैं पानी से भर लूं ठीक है और उसको एकदम उल्टा दूं तो पहले सेकंड में सारा खाली हो जाएगा ऐसे ही है और टिप 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 हो सकता है 6 सेकंड 10 सेकंड चले और उतना ही पानी इस बोतल में डाला और इसको मैं खाली करने की कोशिश करूं तो पहले सेकंड में सारा नहीं गिरेगा हो सकता है टोटल टाइम दोनों का एक जैसा हो खाली होने का लेकिन पहले सेकंड में इसका चूंकि रास्ता तंग है ब्रोंकियोल नैरो हो गए तो पहले सेकंड में जो है ना वो 25%, 20%, 30% निकलेगा ऐसे ही है बेटा आके ले लो आ जाओ इसको ऊपर साइन कर रहे हैं अपने ठीक है जी तो लिहाजा ये चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है जिस तरह ब्लड प्रेशर को हम बीपी ब्रेटर से चेक करते हैं उससे हमें बीपी का पता चलता है शुगर बीपी उससे चेक करते हैं शुगर का पता चलता है LFT जिगर के लिए RFT जिसके लिए आपके फेफड़े काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये PFT मशीन से अगर आपकी FEV1 RFVC ठीक है ना तो फिर आपके फेफड़े 100% नॉर्मल ये बदकिस्मती से हम में से कभी किसी ने अपने क्लिनिक पे हो गए नहीं करवाया ही नहीं होना RFT करवाते हैं LFT करवाते हैं बीपी देखते हैं शुगर देखते हैं लेकिन हमें लंग काम से ही फंक्शन ठीक कर रहे नहीं एक्सरे आपको उसकी एनाटॉमी बताता है जॉब करवाते हैं लेकिन उसका फंक्शन ठीक है कि नहीं बहुत सारे और है लेकिन जो बेसिक है वो मैं आपको दो बता रहा हूँ वो FEV1 और FVC है और वो कहां से पता चलता है सिर्फ PFT से स्पायरोमीट्री से ठीक है जी अब COPD के अंदर बेसिकली होता क्या है कि COPD में आपके मसल तगड़े होने चाहिए जो मैं सांस ले रहा हूं ना इसका ताल्लुक किसके साथ है मेरे ये इन मसल्स के साथ अब अगर विटामिन डी की कमी है ठीक है COPD बेसिकली कॉज नहीं होती इससे कॉज स्मोकिंग से डस्ट से है लेकिन अगर मेरे मसल वीक हो गए हैं तो मेरी वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन 5 चीजों पर मुश्तमिल है 5 चीजों पर मैंने सांस खींची वो उत्तरी एल्विओलाई तक एल्विओलाई से डिफ्यूज हो गया ब्लड में गई ब्लड से ट्रांसफर हो गए माइटोकॉन्ड्रिया तक गई और भट्टी में वहां पे चली ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके ATP AMP और ADP बनाई ये रेस्पिरेशन है सारी अब इनमें से फेफड़ों इसका जो काम है अपने पसलियों का पट्ठों का कि ये हेल्प करते हैं उसको खींचने में ये वेंटिलेशन है दिस इज द वेंटिलेशन ठीक है दिस इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन
अब वहां पे जाके वो डिफ्यूज हो रही है, दैट इज द डिफ्यूजन, आगे गई दैट इज द ट्रांसपोर्ट, जिसका ताल्लुक एचबी के साथ है। डिफ्यूजन का ताल्लुक आपके आईएलडी के साथ है, ठीक है। अगर एचबी कम है तब भी आपको सांस चढ़ेगा, हालांकि सब कुछ ठीक है, फेफड़ों का दिल का मसला ही नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला है। माइटोकॉन्ड्रियोपैथीज है जहां पे भट्टी नहीं बन रही तब भी सांस चढ़ेगा। और चौथा कंट्रोलिंग का ऊपर होता है दिमाग में डल्ला ब्लिंगेटा से, वहां पे कोई गड़बड़ा तब भी सांस चढ़ेगा या सांस ही नहीं आएगा। तो लिहाजा मेडल्ला, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट एंड देन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, दिस इज द रेस्पिरेशन। सिर्फ सांस लेने में कटन में नहीं, रेस्पिरेशन इज द वेंटिलेशन। अब इसमें वेंटिलेटरी मसल वीक हो जाते हैं जो कि सीओपीडी को खराब करती है मुझे, ठीक है जी। तो विटामिन डी का यहां पे रोल है, इफ द एबिलिटी ऑफ विटामिन है। अच्छा, इसके बाद फिर अगला जो है ये स्टडीज है सारी सीओपीडी के मुतलका, कि जिनमें सीओपीडी विटामिन डी कम था उनमें सीओपीडी जल्दी ठीक नहीं हुई। एक तो मसल वीकनेस की वजह से, दूसरा उनमें इन्फेक्शन बार बार होती थी वो पिछले मैकेनिज्म की वजह से, और इन्फेक्शन आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर द एक्सेसिवेशन ऑफ द सीओपीडी। तो लिहाजा ये दो ताल्लुक है कि इन्फेक्शन बार बार होगी और दूसरा जो है ना वो मसल वीक होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक आ गई है जी एस्थमा। एस्थमा में बेसिकली जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो लेवल पूरे नहीं होगा, अगर ऑप्टिमम लेवल है एटोपी कम होगी, वायरल इन्फेक्शन कम होगी, स्टीरॉइड रिस्पॉन्स अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपका एस्थमा कंट्रोल रहता है। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको एलर्जी प्लस वायरल इन्फेक्शन बार बार, स्टीरॉइड का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, और बच्चों में लंग मेच्योरली डेवलपिंग करते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आपका एस्थमा कंट्रोल अच्छा नहीं होता। इसमें भी बहुत सारी स्टडीज मौजूद है, जैसे यूरोपियन रेस्पिरेटरी एयरस किया गया, वेलिशर विटामिन डी, ब्रोंकियल एस्थमा एंड द इफेक्ट ऑफ विटामिन डी। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि विटामिन डी लेवल्स आर लो इन द पेशेंट ऑफ एस्थमा एंड दे आर हाईली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एस्थमा कंट्रोल आफ्टर द सप्लीमेंटेशन विद द विटामिन डी या ऑप्ट डी, ठीक है। Number of studies, Journal of Family and Community Medicine, the impact of vitamin D deficiency on asthma, allergy, rhinitis and wheezing in children. Vitamin D कम है तो allergy का level कम हो जाएगा। चौथी एक बीमारी है pulmonary hypertension, ये normally जो lung से निकलता है ना vessel, मतलब उसमें pressure होता है 25 millimeter systolic, right lung से जो blood जाता है, right heart से जो blood जाता है lung के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी, बेसिकली वीनस ब्लड होता है उसमें, कहने को तो आर्टरी है लेकिन ब्लड वीनस होगा, उसके अंदर प्रेशर कितना होता है 25 सिस्टोलिक, ठीक है। लेकिन अगर लंग की बीमारियां हैं, लंग्स की कोई बीमारी होगी, लंग्स सुपड़ गए हैं तो उन पर बैक प्रेशर बढ़ता है, जस्ट लाइक जिस तरह सिरोसिस में पोर्टल वेन पे प्रेशर बढ़ता है और वो रप्चर होकर एसोफेजियल वेसिस ऑफ ब्लीडिंग होती है। इसी तरह जब लंग्स की बीमारियां होती हैं तो पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ के 35 40 45 50 गुलाब देवी में 100 प्लस प्रेशर भी देखे गए, तो उसका भी डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी से। लंग भले से खराब ना भी हो तो वेसल नैरो होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उनके पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इन पेशेंट ने एक्सरे करवाए बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, मरीज बैठा ठीक है, रफ्तार चलता तो सांस चढ़ता है, एको कराओ बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। अब उसमें बेसिकली डाउटफुल क्या होता है कि यंग फीमेल विद अनड्यू डिस्पनिया विद नॉर्मल चेस्ट ऑन एग्जामिनेशन एंड एक्सरे, what is the diagnosis could be a pulmonary hypertension, कैसे इसको शक करना है, कैसा पेशेंट जिसका देखने में लंग्स ठीक है, सुनने में ठीक है, स्पैज नहीं है, अनीमिया भी नहीं है, हार्ट का वो मरीज नहीं है, लेकिन जब चलते हैं तो सांस चढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, ठीक है। एको करवाई तो वो भी नॉर्मल हो सकती है शुरू में, तो दिस कुड बी द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसको अगर आसानी से कमरे में लेता जाके P2 को सुनो ना, P2 को, तो P2 ऐसी होगी, नॉर्मली होती है हार्ट साउंड ऐसी। इसमें क्या होगा, अगर लग रहा है सेकंड जो है ना ज्यादा, अगर ऐसे हो ये क्या है, पहला प्रीतम हार्ट फेलियर में थर्ड हार्ट साउंड, और अगर ऐसे हो पहली लाउड दूसरी हल्की, पहली लाउड दूसरी हल्की, ये क्या डायग्नोसिस है, माइटल सिनोसिस, दूसरी लाउड पहली हल्की पल्मोनरी हाइपरटेंशन, थर्ड हार्ट साउंड के तो ग्यारह एकदम हार्ट फेलियर, सादा सा सूल है, क्यों जी,
अल्लाह हु और इन ए नटशेल, नटशेल मीनिंग समरी इन अ फ्यू वर्ड्स, करोड़ का नटशेल होता है ना जैसा, अगर बात खत्म करते हो अपनी बात खत्म करूं तो ये है कि विटामिन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस एस्थमा सीओपीडी एक्सेसरबेशन, लिहाजा इनका लेवल रखना नॉर्मल बहुत जरूरी है। तो लिहाजा जो पहला क्वेश्चन था जब हमने बात शुरू की कि कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज में होता है डायरेक्टली रिलेटेड जो है बीबी कोविड एस्थमा सीओपीडी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है जी। अगर हम पाकिस्तान से विटामिन डी की कमी या कोई भी बीमारी खत्म करना चाहते हैं तो मैं क्या कह रहे हैं ध्यान सुनो पहले, अगर हम पाकिस्तान से विटामिन डी की कमी या कोई भी बीमारी शुगर है ब्लड प्रेशर है हेपेटाइटिस है कैंसर है कुछ भी खत्म करना चाहते हैं तो यार ये आपकी स्लाइडें ठीक नहीं है मजा ही खराब हो जाए। तो ये है कि कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरी इज पॉसिबल, ठीक है कंबाइंड एफर्ट होनी चाहिए। अब कंबाइंड एफर्ट में प्रोफेसर जवेद साहब और डॉक्टर सोमिया इकतदार और इनकी पीएसआईएम बल्कि हमारी पीएसआईएम और फार्मिंगो या कोई भी जो हमारे साथ चल रहे हैं इस कंबाइंड एफर्ट से विटामिन डी की जरूरत आपको कमी खत्म होगी, समझ तो गए होंगे आप, ठीक है। उसके बगैर ये कमी खत्म अंसर साहब पट्टी साहब बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ये पॉसिबल है पाकिस्तान में जो मैं दिखाने लगा हूं तो फिर पाकिस्तान विटामिन डी की कमी भी नहीं होगी। इफ दिस इज पॉसिबल इन द कंबाइंड एफर्ट, यू नो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है कि नहीं, तो विटामिन डी की कमी को भी खत्म करना मुश्किल नहीं है, बस इरादा होना चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए। अल्लाह कोई ना कोई हल और वसीला निकाल ही देता है। जिंदगी को पुरसकून रखने का सादा सा सूल आखिरी दो स्लाइड है दो या तीन चलते चलते अब टॉपिक हमारा खत्म हो गया सोशल बात करने जा रहा हूं। जिंदगी को पुरसकून रखने का सादा सा सूल ये है बड़ी सादा सी बात है यहां से शुरू करें यहां से डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ दो में से एक ही जवाब होगा नो इफ दो देन व्हाई वरी या फिर होगा यस आई हैव अ प्रॉब्लम उसका फिर कैन यू डू समथिंग फॉर दैट प्रॉब्लम उनमें से दो ही जवाब होंगे यस आई कैन डू समथिंग इफ यू कैन डू समथिंग देन व्हाई वरी एंड इफ यू कांट डू एनीथिंग देन व्हाई वरी। तो दिल पे आराम से हाथ रख के बोले चाचू ऑल इज वेल, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, ये असूल करके देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसले हल होते चले जाएंगे। सर पे नहीं इसको सवार करना, जिंदगी में कोई भी मसले मसाइल आ जाए लेकिन असल कुलिया जो है असल कुलिया 13वां पारा 13वीं सूरत 28वीं आयत अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तुस्मन मखलूक के अल्लाह के जिक्र से और नमाज सबसे अच्छा जिक्र है, बाकी इस गार तो है नमाज मखलूक की खिदमत भी एक जिक्र है, ठीक है ना जी। थैंक यू वेरी मच।